पत्नी ने कहा, देखिए ऐसा है, आप चाहे मरे चाहे जिए, मुझे ये बात जाननी है कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो माताओं बंधुओं, जो पत्नी इतनी हठी हो कि अपने पति से कह रही है कि आप मरे चाहे जिए, हमें तो ये बताइए कि वो दोनों बात क्या कर रहे थे, तो उनकी बेटी भी माता के कई ही हो सकती है। जो कह रही है ना, तनुति तनय धाम धन धरनी और सत्य संघ कह त्रण सम भरनी। शरीर भी चला जाए तो सत्य बोलने वाले के लिए वो तृण के समान होता है, ऐसी जिद कर रही थी। तो माताओं बंधुओं, ऐसी जिद्दी माता केकई की चेरी है मंत्रा। अच्छा, मंत्रा को ही क्यों खोजा गया ये भी समझ लीजिए। कथा आती है कि एक बार केके राज निकले शिकार करने, तो जब शिकार करने निकले तो वहां उन्होंने बाण मार दिया, एक हिरण को लग गया, मृग को। तो हिरण मूर्छित हुआ, तब तक हिरण एक हिरणी भागती हुई आई। अरे, उसने कहा आपने इनको गलत मार दिया, क्योंकि ये बात कर लेते थे। कहा आपने गलत मार दिया, ये हमारी बेटी का पतिदेव है, हमारे दामाद है, इनको बचाइए, इनको जिंदा करिए। तो केके राज ने कहा कि माता मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं मालूम था, अब मैं मारना तो अब तो लग गया बाण, अब कोई नहीं बचा सकता, अब तो उनके प्राण चले जाएंगे, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब क्षमा तो मैं करने वाली नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मैं ये श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से आपने मुझको मेरे दामाद से अलग किया ना, उसी प्रकार से मैं भी आपको, आपके दामाद को अलग करूंगी, आपके दामाद के प्राण लूंगी। और वही केकई राज के दामाद चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी हैं, जिनके प्राण मंत्रा लेना चाह रही है। माता सरस्वती ने ये सारी बातें निकाली, तब जाकर के मंत्रा के ऊपर सवार हो रही हैं। तो अज सुपिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी, दीख मंथुरा नगर बनावा और मंजुल मंगल बाध बधा मोद बधावा, पूछे सी लोगन काह उछाहु। ये इतने ढोल लगा रहे क्यों बज रहे हैं, इतनी प्रसन्नता किस बात की है? तो सबने कहा, अरे तुमको नहीं मालूम, अरे राम जी का राज अभिषेक होने वाला है। राम तिलक सुनि भावुर दाहु, क्या राम जी का राज अभिषेक होने वाला है? चक्रवर्ती सम्राट ने तो कुछ और ही वादा किया था, ये क्या हो गया? दौड़ी राम तिलक उर सुनि भावुर दाहु, करई विचार कुबुद्धि कुजाती कि होई अकाज कवन विधि राती, तो भरत मातु पही गई बिलखानी। दरअसल हुआ क्या होगा जानते हैं? बिलखाई क्यों? उसको जैसे ही मालूम पड़ा कि राम जी का राज अभिषेक है, तो भागी मंत्रा, और भागी क्योंकि कुबड़ी तो थी, तो भागी इधर से उधर भाग रही, सीढ़ियों पे नीचे उतरी होगी, तब तक गिर गई। तो गिरते लौटते पड़ते जब गई तो चोट भी लगी हुई है, कराह भी रही है, और साथ में बताना भी है जल्दी। दौड़ी तो आह और कराह सब बातें आ ही रही है। तो का अनुमनी हसी कहाँ हसी रानी, रोती विलगती हुई पहुंची। माता की कहने का क्या हो गया मंत्रा, काहे इतना रोती हुई, क्या हो गया, किसी ने डांट दिया क्या, कुछ हो गया क्या? हसी कह रानी गाल तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, माता केकई कहती है एक बार बताओ क्या हो गया, क्यों इतना रो रही हो, क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? उतर दे न ले सासु और नारी चरित करी ढारई आंसू। हमारी माताओं का सबसे बड़ा हथियार, जब कोई बात नहीं समझ में आती, जब लगता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम तर्क नहीं दे सकते, हम हार रहे हैं, तो बस एक ही हथियार है उनका, और निकालना चालू किया उन्होंने आंसू। तो आंसू निकाला तो और डर गई माता की कही ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया बताओ। तो उनको लगा कि हो सकता है लक्ष्मण जी महाराज से कुछ डांट खा के आए होंगे। लक्ष्मण जी महाराज ही डांट फटकार देते हैं सबको, कोई बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो माता से मंत्रा ने, माता ने कहा मंत्रा से, तुमको मैंने 100 बार समझाया है, क्यों लक्ष्मण के मुंह लगती हो, क्यों ज्यादा बकवास करती हो,
आखिर सुन लिया ना, बार बार कहती हूँ चुपचाप रहा करो। हसी कह रानी गाल बड़ तोरे और दिन लखन सिख अस मन मोरे। मैं जानती हूँ लक्ष्मण जी ने ही कुछ ना कुछ डांटा है, कोई ना कोई बात हुई है। तब हूँ न बोली चेरी बड़ी पापिनी और छाड़ी सांस कारी जनु सापिनी। और लंबी लंबी सांस ले रही है। जब माताएं बहुत ज्यादा रोने लगती है ना, या बच्चा ज्यादा रोने लगता है, या यूं कहें कि हम में आप में कोई भी हो जब बहुत ज्यादा रोने लगता है ना, तो लंबी लंबी सांस लेने लगता है, लंबी लंबी सांस। तो जब लंबी लंबी सांस मंथरा ने लेना प्रारंभ किया, माताओं बंधुओं केकई माता तो डर गई। केकई माता ने कहा क्या हो गया मंथरा, इतना घबराई हुई क्यों लग रही है आप, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, माता केकई के प्रेम को यहीं से समझ लीजिए कि राम जी से कितना प्रेम करती है माता केकई। अगर किसी को यूं लगता हो कि भगवान श्री राम से माता केकई कम प्रेम करती हैं या भरत जी से ज्यादा प्रेम करती होंगी, तो माताओं बंधुओं इस प्रेम को इसी प्रकार समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आए आपके पास, भगवान ना करे, भगवान ना करे, आपके परिवार वाले लोग, आपका भाई या आपका बेटा या आपके पतिदेव या आपकी बहन या आपकी पत्नी गए हो दो चार लोगों के साथ गाड़ी में घूमने, भगवान ना करे, और गाड़ी में घूमने गए हो और तब तक खबर आए किसी की कि अरे ओ एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, तो आप सबसे पहले किसके बारे में पूछेंगे, जो आपका अपना होगा। अरे उसे तो कुछ नहीं हुआ ना, वो तो ठीक है कि नहीं, बाद में किसी दूसरे के बारे में पूछेंगे व्यक्ति। हम लोग सब ये देखिए, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। जो सबसे अपना होगा उसके बारे में पूछेंगे। तो माता केकई ने जैसे ही देखा कि इस प्रकार मंथरा कराह रही है और लंबी लंबी सांसें ले रही है, तो उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में पूछा जानते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। बोली सभय रानी कह कह सिकिन कुशल राम बाद में महिपाल। पति देव से भी बाद में प्रेम करती थी, चक्रवर्ती सम्राट से भी प्रेम बाद में करती थी, पहले राम से प्रेम करती थी। सभय रानी कह कह सिकिन कुशल राम महिपाल और भरत लखन भरत रिपु दमन सुने भाकुबरी उरसाल। जैसे ही पूछने में भी राम का नाम पहले लिया ना, तो मंत्रा तो एकदम एकदम जल गई, एकदम वो सूख गई है, क्या हो गया, ये माता कैसी बात कह रही है, कह रही है लक्ष्मण ने हमको सीख दी। मंत्रा कहती है अरे माता कोई हमको क्या सीख देगा, अब और कितना डांट फटकार खाएंगे इसके बाद भी, या अब डांट फटकार खाने का और कितना दुख होगा, वो तो हो गया जितना होना था, हमारा तो काम ही है रोज डांट फटकार खाना। कत सिख दे हम ही को माई और गाल करब के ही कर बल पाई। हमारी क्या औकात कि हम किसी से मुल जबान लड़ाए, हम छोटे लोग, हम लोग तो केवल डांट सुन सकते हैं, बात सुन सकते हैं, बहस भी कर लेंगे, तो बहस करने से भी ये होगा कि हमारी ही गलती निकलेगी, चाहे हम गलत हो चाहे सही हो, बोलने पे भी हमारी गलती है। कत सिख दे हम ही को माई और गाल करब के ही कर बल पाई। और आप कह रही हैं कुशल राम महिपाल, राम कुशल से तो हैं, तो माताओं एक बात समझ लीजिए, माता आज राम से ज्यादा कुशल इस संसार में और किसी के नहीं है, कुशल है तो केवल राम की, बाकी सब तो अकुशल हो गए उनके अलावा। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू जे ही जनेश दे जुबराजू। जो जुबराज बनने वाले हैं, जिनको जुबराज बनाया जा रहा है, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू और जे ही जनेश दे जुबराजू। कौश भयऊ कौशिल ही विधियति दाहिनी देखत गर्भ रह तोर नाहिन। जानती है आज क्या हुआ है माता मेरे साथ, देखिए ऐसा त्रिया चरित्र है, इससे बच के रहना चाहिए माताओं बंधु।
इसे कहते हैं शुद्ध वाक्य में प्रपंच, एक शब्द में। अभी देखिएगा प्रपंच होगा, अभी तो आगे बढ़ रही है बात। माताओं बंधुओं, यदि आप प्रपंच रस में फंस गए ना, बत रस जिसे कहते हैं, तो कई अच्छी बातें भी निकलेंगी, कई बुरी बातें भी निकलेंगी, और जाने कौन सी बुरी बात आपके मन में घर कर जाए और आपकी बुद्धि को बुद्धि हो जाए। इसलिए प्रयास करिएगा कि प्रपंच में ना फंसे। देखिए मंत्रा वही कर रही है, कह रही है जानते हैं माता क्या हुआ, कहा क्या हुआ, कहा मैं रोज जाती थी सुबह स्नान ध्यान करके कौशल्या माता के पास, उनके प्रणाम करने उनको, तो जब जाती थी ना तो मुझे बड़े प्रेम से बिठाया करती थी, बड़ा प्रसाद भोग खिलाया करती थी, फल खिलाया करती थी, अच्छी हालचाल पूछी करती थी, पूछा करती थी। लेकिन आज जब गई ना मैं कौशल्या माता के पास आज सुबह, तो सीधे मुंह बात नहीं की उनने, उनने मेरी तरफ देखा नहीं माता। जब से ये बात हो गई है कि वो राजमाता बनने वाली है, राम राजा बनने वाला है, वो सीधे मुंह देखी नहीं मेरी तरफ। कल तक तो अच्छी तरह बात करती थी मुझसे, भय कौशल ही विधि अति दाहिन, और देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊ कस न जाई सब शोभा, और जो अवलो की मोर मनु छोभा। इतनी देर से पूछ रही हो ना कि मैं क्यों रो रही थी, क्यों रो रही थी मैं, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, ये सब चीजें मेरे बस की नहीं, इतना देखना जो हमारे सामने कल तक खड़े नहीं होते थे, उस प्रकार की बातें कर रहे हैं माता। बात पलट गई है, और आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कर क्या रहे हैं माता, इस दुनिया में रहती है कि नहीं रहती है, बेटे को आपने भेज दिया, पुत विदेश न सोच तुम्हारे, वो तो विदेश चला गया, और जानत हूं बस नाउ हमारे, और वो ख्याली पुलाव पकाती रहती है कि पति तो मेरे हैं, मेरे कहने पे चलते हैं, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखे न भूप कपट चतुराई, पठये भरत भूप ननियो रे, और राम मातु मत जान बुरो रे। उन्होंने भेज दिया है, जानती नहीं है किस प्रकार से वो चले गए हैं। तो जैसे ही सुनी ये सब बात माता कह कही ने किया, राम के राज्य अभिषेक को इसको बुरा लग रहा है, मेरी बहन कौशल्या के बारे में इस प्रकार से बात कर रही है। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, और झुकी रानी अब रहु अरगानी, अरगानी अरगानी भी ठेठ अवधि शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अरगाई माने जो कहते कहते चुप हो जाए ना, कहते कहते, उसे कहते हैं अरगाई, अरगाना, कुछ कहते कहते रह गए। तो माता ने कहा बस चुप हो जा, इसके आगे एक शब्द नहीं, जो भी कह रही थी अपने अंदर ले ले सारी बातों को, हमें कुछ नहीं सुनना। ऐसी बात कहती है, घर फोड़ने वाली बात करती है, शर्म नहीं आती, हम लोग घर फोड़ेगी तो पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तो तब धरी जीभ कढ़ावो तोरी, जीभ सिल दूंगी तेरी, ज्यादा जबान चलती है, अभी बांध दूंगी पट्टे से सारी जीभ को, चुप हो जा। तो इतना सुनना था कि मंत्रा और रोने लग गई, तो और रोने लग गई तो माता केकई को दया आ गई, आखिर थी तो उनकी प्रिय प्रिय चेली थी, प्रिय चेली थी, और जैसे ही डांटा फटकारा तो रोने लग गई। तो माता केकई सोचती अरे क्या करे, वैसे ही इनको इतना दंड दिया हुआ है परमात्मा ने, काने खोरे कुबरे कुटिलो कुचाली जानी, तिय बिसेखी पुनिचेरी कह भरत मा तु मुस्कानी। माताओं बंधुओं एक बात सदैव याद रखिएगा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, भगवान जिसको कुछ जिससे कुछ छीनता है ना, सदैव याद रखिएगा, तो उसको एक शक्ति अवश्य देता है, उसमें एक गुण अवश्य देता है, इस बात को आप अनुभव करिएगा, हमने तो खूब अनुभव किया है। यदि कोई भी एक चीज आपके आपके शरीर में से कोई एक अंग यदि उन्होंने कम किया है या आपको बिल्कुल ठीक नहीं बनाया है, तो उसके बदले में कोई गुण अवश्य देगा, ये बात तय है, नंबर एक। और इसका उदाहरण मैं एक ही दूंगा, आप लोगों ने शायद सुना होगा, और माताओं बंधुओं आप जानते नहीं हैं कि वो दोनों हाथ से भी अपंग हैं,
और दोनों पैरों से भी वो अपंग है। आंखों के इशारे से वो अपना सब आविष्कार करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। इतना ही नहीं, दूसरी बात मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति ये भी है माताओं बंधुओं कि यदि हम किसी में कोई कमी देख लेते हैं ना, जो ज्यादा छोटा होता है उसके प्रति ज्यादा सहानुभूति होती है। कैसे? अरे भाई, अगर कार से कोई चल रहा है और कार से चलने वाला यदि साइकिल वाले से भिड़ जाएगा तो कोई चाहे साइकिल वाला कितनी भी गलत क्यों ना चला रहा हो, लेकिन डांट कार वाले को ही पड़ेगी। साइकिल वाला यदि पैदल वाले से भिड़ जाएगा तो पैदल वाले को नहीं, साइकिल वाले को डांट पड़ेगी। उसी प्रकार से हम सारे हाथ पैर वाले अगर किसी, भगवान ना करे, किसी फिजिकली चैलेंज से कभी लड़ जाते हैं, आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता होगा किसी के साथ, कोई अपंग के साथ कोई बहस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन जो भीड़ आएगी तो भीड़ आके कहेगी कि अरे कैसी बात करते हो, शर्म नहीं आती आपको, उसको पहले ही भगवान ने उससे ये कर लिया, आप इस प्रकार से उसको डांट रहे हैं, इस प्रकार से आपको कहना अच्छा है क्या। कहने का अर्थ संवेदना तो उनकी तरफ रहती है हम सबकी। तो माता केकई ने भी सोचा कि अरे भाई, चाहे उसने कितनी भी गलत बात क्यों ना कही हो, लेकिन भगवान ने पहले ही इतना कुछ दंड दे दिया है, हमको ऐसा डांटना ठीक नहीं है इनको। तो काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय बिसेखि पुनिचेरि कह भरत मातु मुस्कानी, प्रिय बादिनी सिख दे हूं तो ही कि सपने हूं तो पर कोप न मोही। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रही हूं मंत्रा, क्यों रो रही है तू, रो मत। अरे मैं सपने पे तेरे पे गुस्सा नहीं करूंगी, तू मेरी सबसे प्रिय है। और ऐसी बात नहीं कहते, तुझे क्या लगता है कि राम जी के राजाभिषेक से मुझे कोई दुख है? अरे राम जी का राजाभिषेक हो जाएगा, उससे प्रसन्नता की कोई बात ही नहीं है इस संसार में। सुदिन सुमंगल दायक जोई तोर कहा पुर जेहि दिन होई, जिस दिन राम जी का राज अभिषेक हो जाएगा ना हमारे हाथों, राम ही तिलक साची जो काली, तो देहु मांगू मन भावती आली। अरे अगर राम जी का राज अभिषेक हो गया तो मंत्रा तेरी जो इच्छा करे मुझसे मांग लेना, अभी से सोच के रख ले, मन मुंह मांगा इनाम दूंगी मैं तुझे मंत्रा, राम जी का एक बार राज अभिषेक हो जाए। अरे हमारे यहां तो ये नीति है मंत्रा, कैसी बात कर रहे हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। अरे यही है, हमारे यहाँ तो भरत जी सेवा करेंगे, राम राज अभिषेक होगा, सच बता ऐसा ही है ना, और बता और तो कोई बात नहीं। तो मंत्रा चुपचाप सुन रही है और रोए जा रही है। तो माता केकई को विश्वास ही नहीं हो रहा माताओं बंधुओं की, मंत्रा क्या इस बात पे भी रो सकती है, ये राम जी के राज अभिषेक पे ही रो रही है कि किसी और बात पे रो रही है। फिर देखिए दूसरा प्रमाण देती है माता केकई, राम जी से कितना प्रेम करती है इसका दूसरा प्रमाण देने है माता केकई। एक बात बताइए, आपके पास कोई आवे और आकर के आपको कोई ऐसी घटना बतावे जिसपे आपका आपको विश्वास ना हो, आपको विश्वास ना हो, तो आप क्या कहेंगे? आप बहुत कहेंगे तो कहेंगे कि वो सामने वाली कहे कि अरे मेरी बात का विश्वास करो, तो आप कहेंगे कैसे करूं? तो कई लोग कहते ना, मैं अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कह रही हूं मेरी बात का विश्वास करो, कहते हैं ना, रखो अपने बच्चे के सिर पे हाथ, कहो सच कह रही हो कि नहीं। माताओं बंधुओं, किसी को आपने ये कहते सुना है क्या? कोई आए और आ कहे आप सच कह रही हैं क्या? बोले हाँ हाँ मैं सही कर रही हूं, तो रखो मेरे बेटे के सिर पे हाथ और कहो कि सही कर रही हूं। ऐसा किसी ने आज तक किया होगा क्या? उनके बच्चे के सिर पे हाथ जरूर रखवा लेंगे आप लोग कि आप अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कहो, लेकिन अपने बेटे के ऊपर तो सिर के ऊपर हाथ नहीं रखवाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका बेटा आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, इतनी बड़ी रिस्क थोड़ी ले सकते हैं हम कि वो झूठ कह दे अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखवा दे। माताओं बंधुओं, माता केकई के सामने चार चार पुत्र थे और उसमें एक ही पुत्र उनका था केवल, ध्यान दीजिएगा, वो कह सकती थी ये बात, मंत्रा राम शपथ तो ही सत्य कहूं, राम जी कसम खा के कहो, बात भी राम की चल रही है ना। आप बताइए, राज अभिषेक राम जी का चल रहा है, बात राम जी की हो रही, तो कह नहीं सकती थी कि राम जी कसम खा के बोलो ये बात, लेकिन नहीं,
क्या कह रही है? कह रही है मंथरा, भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरी कपट दुराओ, और हर्ष समय विषमय करसी कारण मोही सुनाओ। ऐसा क्यों कर रही है? ये तो खुशी की बात है, तू रो रही है मंत्रा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कोई और कारण है। तुझे भरत की कसम है मंत्रा, सच सच बता, सब सब बता, क्या हो गया? तो मंत्रा कहती कि अब और क्या सच बताऊं, अब क्या बोलूं माता, अब तो कुछ कहने को बाकी ही नहीं रह गया, अब कुछ कहूंगी तो आप और गुस्सा हो जाएंगी। माता हम नहीं कह सकते अब। अरे मंत्रा बता तो क्या हुआ, क्या बात हो गई? मंत्रा ने कहा माता आपको तो केवल वही लोग पसंद हैं जो आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करें, बस, और कोई पसंद नहीं है। तो माता कहती है क्या? मंत्रा कहती है माता हम कहब अब ठाकुर सुहाती, ना ही तमौन रहब दिन राती। माता आपको तो वही पसंद है जो आपके मुंह पे आपकी ठाकुर सुहाती करें, तो हम भी अब वही करेंगे और नहीं तो चुप रहेंगे। और दूसरी बात माता आप कह रही हैं कि राम जी के राज अभिषेक होने से हमको इतना दुख क्यों हो रहा है, और भरत जी का राज अभिषेक हो जाएगा तो हमें बड़ी प्रसन्नता क्यों नहीं, उसकी कोई उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? आपके भारत के राज अभिषेक से हमें कुछ मिलने वाला नहीं और राम के राज अभिषेक से हमारा कुछ जाने वाला नहीं। देखिए क्या कह रही है, कह रही है माता कौन रहो हम ही कहानी, और चेरी छाड़ी अब होब किरानी। माता हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, चाहे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, हमें कौन सा, दोनों बातें हैं श्रद्धाली में, लाभ भी कहा और हानि भी कही मंत्रा ने, क्या कही जानते हैं? कह रहे हैं कौन रप हो हम ही कहानी, ये हानि की बात है। मंत्रा कह रही है माता एक बात बताओ, आज भी मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, सफाई करती हूँ घर की, भरत जी राजा हो जाएंगे, राम जी राजा हो जाएंगे तो इससे नीचे का तो कोई काम है नहीं जो हमें दे देंगे, हमें सस्पेंड तो कर नहीं देंगे झाड़ू लगाने से पोछा लगाने से, इससे नीचे का और कोई काम है ही नहीं, तो हमारा नुकसान क्या कर लेंगे, हमारे पास होने को क्या है? और कोई आपके बेटे भरत ही राजा बन गए तो कौन सा वो हमको रानी बना देंगे, कौन सा हमें बहुत बड़ा तमगा दे देंगे, वो तब भी झाड़ू ही लगाना है मुझे, मेरे नसीब में मेरी भाग्य में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाना आपके बेटे के राजा बन जाने से। चेरी छाड़ी अब होब किरानी। और ये मंत्रा का ही नहीं माताओं बंधुओं, ये हर एक गरीब तबके का जीवन में विचार है, अभी तक जो मैं देखता आया हूं अभी तक के अनुभव में। माताओं बंधुओं सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो गरीब है ना वो गरीब ही रह रहा है, उसका कोई बहुत अंतर नहीं आता देख रहा हूं मैं किसान में या उसमें कि बहुत बड़ा अंतर आ गया हो। कहने का अर्थ ये है, माणिक वर्मा एक कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही माताओं बंधुओं कि इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है, सत्ता किसी की भी हो जनता हमेशा सताई जाती है, हम लोगों के लिए अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्य हो जाए, हम लोग भी चाह रहे हैं कि भगवान कृपा से, उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वरना मन मसोस के तो इसी बात पे रह जाते हैं कि कौन रप हो हम ही कहानी, हमें क्या लेना देना जी, चेरी छाड़ी अब, लेकिन ऐसा नहीं है, अब जागृत होने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। चेरी छाड़ी अब होब किरानी, जा रहे जोग स्वभाव हमारा, और अनभल दीख न जाई तुम्हारा, ताते कचुक बात अनुसारी, क्षमिय देव बड़ी चूक हमारी। हम आपको मानते थे अपना, इसलिए आपसे ऐसा कुछ का, क्षमा करिएगा यदि आपको बुरा लग गया हो, हम आप कुछ नहीं कहेंगे, हमें क्षमा करिए, हम तो आपके भले के लिए कहने आए थे। तो ध्यान दीजिएगा जब कोई व्यक्ति आपसे बार बार कहे ना अरे हमें क्या लेना देना जी, हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, अब आप ना माने उस बात को, फिर भी चार बार कहे कि हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, हमें तो जान लीजिएगा उसका लेना देना जरूर है उस बात से, कहीं ना कहीं लेना देना जरूर है, वो केवल बातें बना रहा है कि हम आपके भले के लिए आए थे, जबकि आया वो अपने ही किसी भले के लिए। माता के कई भी समझ नहीं पा रही है बात,
माता के किसका हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। तो गूढ़ कपट, छुपा हुआ कपट है ये, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय अधर बुद्धि रानी, और सुर माया बस बैरनी सुहृद जानी पतियानी। पतियानी माने विश्वास, अवधि शब्द है ये। सुरमाया भी लगी थी माता के कई, यूं ही चेरी के कई केरी हैं, के कई राज की बेटी हैं, माता सरस्वती पीछे से लगी हुई हैं, बेचारी अकेले क्या करे। माता के कई की कोई गलती नहीं है, एक शायर ने कहा है कि खुदा और ना खुदा मिलकर डुबो दे ये तो मुमकिन है, मेरी वजह तबाही सिर्फ तूफान हो नहीं सकता। माता केकई के साथ भी वही हो रहा है, अकेली बेचारी गलती नहीं है, तीनों चारों तरफ से घेरे हुए हैं लोग उनको। तो सुहद जानी पतियानी सादर पुनी पुनी पूछती ओही सबरी गान मृगी जनु मोही। अरे मंत्रा बता देना, अरे गलती हो गई, मैं गलती में तेरे को डांट दी, बता दे क्या बोलना चाह रही थी, पूरी बात तो कर। मंत्रा कहती है मैं नहीं बताऊंगी, अब जितना बताना था उतना बता दिया। तुम पूछाओ मैं कहत डराऊं, धरे मोरी घर फोरी नाऊं। मैं घर फोड़ी हूँ, मैं घर फोड़ना जानती हूँ, ऐसा नाम आपने मेरा रख दिया, अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अब मैं नहीं बताऊंगी। अब माता के कई घर बता दो। तो माताओं का स्वभाव तो होता ही है कि उनसे और इतना करोगे तो और छुपाने लगती है बात। तो माता केकई के मन में जिज्ञासा बढ़ रही है, मंत्रा और उनको चिढ़ा रही है, आपने हमको माना नहीं अपना, आप कह रही है कि हम क्या बताएं। तो सजी प्रतीति, अब तब तक क्या लगा, तब तक ये लगा कि मंत्रा कहीं सचमुच तो बुरा नहीं मान गई। अरे भाई मंत्रा को घर भोरी कह दिया, माता सरस्वती बैठी हुई है दिमाग पे, माता सरस्वती ने कहीं ले तो नहीं ली बात दिल पे, क्या हमारा तुमने ऐसा नाम रख दिया घरबोड़ी, अब आगे कोई काम नहीं होगा। मंत्रा ने कहा ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी भी कोई इज्जत है, घरबोड़ी कह दिया। तो देवताओं ने सोचा कि गड़बड़ ना हो जाए, मंत्रा कहीं आगे बोलने से पहले, अब तो बोल ही नहीं रही, कुछ चुप ना हो जाए। तो तुरंत दौड़ाया किसको, शनि महाराज दौड़े, कामना बिगड़ जाए सजी प्रतीति बहु विधि करी छोली, और अवध साढ़ साथी तब बोली। तुरंत साढ़े साथी शनि देव आकर के बैठे। मंत्रा कहती है तो अब सुन लो, जो आप सुनना चाह रही है ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ, बड़ा राम प्रिय प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस्तोरे, बड़े प्राण के प्रिय है आपको राम को, आप भी राम जी से बड़ा प्रेम करते, तो सुन लीजिए आज एक कटु सत्य। क्या बोले, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, और राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, और समय फिरे रिपु हो ही प्रीते। माताओं बंधुओं जीवन में उतार लीजिएगा इस अर्धाली को। मैं फिर कहूंगा कि रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है, इसकी एक एक अर्धाली अपने आप में मंत्र है। समाउ पिरे रिपु होई पिरीते, ना कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का मित्र होता है, जो होता है वो समय होता है। माताओं बंधुओं समय, समय ही आपको किसी का मित्र बना देता है, और समय ही आपको किसी का शत्रु बना देता है।